हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है शाओमी स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, जो शाओमी है वो अपने आप में मतलब कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन लाती है और काफ़ी अच्छे फ़ोन होते हैं यूज़ करने के लिए भी। और दोस्तों, उसके हर एक UI जैसे मतलब कि यूज़र इंटरफेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, वो कुछ टाइम से मतलब कि मार्केट्स में थोड़ा पिछड़ रही थी। तो दोस्तों, उसका पिछड़ने का सबसे बड़े रीज़न दो रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न था फास्ट चार्जिंग और सेकंड रीज़न था डिज़ाइन। तो दोस्तों, जो डिज़ाइन का मतलब कि उन्होंने इशू सॉल्व कर दिया था अपने जो Redmi 7 और 7 Pro के साथ जो उनके स्मार्टफोन आए थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने जो मतलब कि डिज़ाइन को अच्छा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक बहुत बड़ा रीज़न रह चुका था कि वो फेल हो रहे थे। तो दोस्तों, उनका सबसे बड़ा रीज़न था फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों, फास्ट चार्जिंग में भी जो शाओमी उसने अब 100 वॉट का चार्जर लाया है और दोस्तों काफ़ी अच्छा होगा यूज़ करने के लिए। और दोस्तों, जो टेस्ट थे उसमें बताया गया है कि जो शाओमी का वो चार्जर है वो 17 मिनट्स में चार्जिंग कर देगा। तो दोस्तों, ये डेफिनेटली वो चार्जर को हरा देगा। और दोस्तों, अगर ये स्मार्टफोन के चार्जर मतलब कि बजट रेंज में आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बजट रेंज में आने में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे मार्केट में इस टाइप के चार्जर जो शाओमी लाएगा उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों अभी स्मार्टफोन उसके मतलब कि मुताबिक अभी बने नहीं हैं जो शाओमी ने अभी चार्जर बनाया। तो दोस्तों, वो टेस्ट करते हैं रहेंगे अपने चार्जर और आई थिंक 2 से 3 साल में वो चार्जर ला लेंगे। तो दोस्तों, वो डेफिनेटली वो चार्जर को काफ़ी अच्छे से हरा देंगे और दोस्तों काफ़ी अच्छे से मतलब कि दोबारा से मार्केट में आने की संभावना है उनकी। दोस्तों, जो ओप्पो और वीवो मतलब कि शुरू में उतने अच्छे स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने इनोवेशन लाए तो उससे शाओमी को काफ़ी खतरा हुआ है। और दोस्तों, अब अगर शाओमी अगर इनोवेशन ना करे तो उससे शाओमी को ही खतरा होगा। अगर दोस्तों शाओमी टाइम टू टाइम मतलब कि इनोवेशन करता रहे तो अपने आप में उसके लिए काफ़ी मतलब कि प्रॉफिट होगा उसको, क्योंकि दोस्तों जो कस्टमर्स है उनका मतलब कि माइंड सेट ये है कि शाओमी के स्मार्टफोन हमेशा अच्छे रहेंगे। और दोस्तों, उसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कलर OS है काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। कलर 6.0 से का जो इंटरफेस है उससे काफ़ी अच्छा इंटरफेस मतलब कि नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों कलर जो मतलब कि ओप्पो है उसने जो अपना कलर OS है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लाई है। और दोस्तों, आने वाले टाइम में अब शाओमी को भी अपना जो इंटरफेस है उसको थोड़ा सा और स्मूथ करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से शाओमी अगर मतलब कि टक्कर देता रहे कंपनीज को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, मार्केट में जो ओप्पो और वीवो मतलब कि अपने स्मार्टफोन लाती है फ्लैगशिप में, तो उसमें इनोवेशन देखने को मिलता है और वही इनोवेशन आपको मतलब कि जो रियलमी होता है उसमें देखने को मिलता है, और दोस्तों साथ ही साथ वन प्लस में भी देखने को मिलता है। और अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह बनती है जो अगर इनोवेशन शाओमी को करना है तो उसका काफ़ी खर्चा आ सकता है और दोस्तों के स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। तो दोस्तों, उसको डेफिनेटली जो अपना इनोवेशन है उसको फ्लैगशिप स्मार्टफोन में करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फ्लैगशिप स्मार्टफोन में अगर शाओमी एक बार चल गया तो दोस्तों उसको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसमें ही हर बार शाओमी हारता है। और दोस्तों, उसने इसमें पोको फ़ोन को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका प्राइस उसने काफ़ी लो रखा था, लेकिन दोस्तों फिर भी पोको फ़ोन में भी कुछ कमियाँ थी। तो दोस्तों, अगर फ्लैगशिप में भी शाओमी अच्छा हो गया तो काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना, याद देखते रहे मैं चैनल बीटेक। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।